हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्रन यूट्यूब चैनल। 12 सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 हम देख रहे हैं। इसका सॉल्यूशन है और अपन अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही इनवर्स वाला है, तो आपका डिफरेंशिएशन इसका पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 − x²)। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैंने टी ले लिया तो ये जो पूरा डी एक्स अपॉन 1 − √(x²) है ये डी टी हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेते हैं, 1/√(1 − x²) dx dt हो गया। तो ये क्या बन गया, टी डी टी। अब ये तो छोटू सा इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई टू। टी क्या है, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अगर अपन इसको देखते हैं तो देखो ये नीचे वाला जो लिखा है ना cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है −sin x और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। पर इनके जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं ये भी बहुत केयरफुली दिए गए हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के हिसाब से, कि देखो 6 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना 6 cos x का तो −6 sin x आएगा, और 4 sin x का करेंगे तो 2 cos x आएगा। फिर उसमें से 2 कॉमन लेकर dt / 2 बना लेंगे। तो बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन को इन्होंने कोफिशिएंट ऐसे कुछ देकर। तो इसको अपन ने t लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया −6 sin x + 4 cos x, dx = dt। 2 कॉमन ले ले तो 2 cos x −3 sin x, dx = dt। तो ये पूरा वाला जो पोर्शन है ये यहां से लेकर यहां तक का ये बन गया dt / 2। तो अपने यहां dt / 2 लिख दिया और नीचे वाला पोर्शन का अपने t अज्यूम किया ही है, तो 1 / 2 ln mod t + c mod t ये आ जाएगा + c आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां 3 cos x + 2 sin x सॉल्यूशन में दिया हुआ है, सर ऐसे कैसे हो गया। तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 cos x + 2 sin x + c करके, ठीक है। अब देखो अगर ln के अंदर कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो वो ऐड में हो जाएगी, 1 by 2 ln 2 अलग हो जाएगा प्लस 1 by 2 ln ये पूरा प्लस c। अब 1 by 2 ln 2 एक कांस्टेंट टर्म है जो c के साथ ऐड अप होके एक नया कांस्टेंट टर्म बना लेगी, तो बन जाएगा 1 by 2 ln 3 cos x + 2 sin x + एक नया कांस्टेंट टर्म। तो आंसर ये भी बिल्कुल गलत नहीं है, और अगर आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, 2 हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।